like a bell cut. सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लव 96 ईयर। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे एरिया में यू नो क्या चल रहा है बाहर, तो उसकी वजह से नेटवर्क का बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए मेरी वीडियो लेट आ रही है और शायद आगे भी लेट ही आएगी या फिर आएगी भी नहीं, क्योंकि कंटेंट भी मुझे कुछ मिल रहा नहीं है। तो ये वीडियो डालने का मेन मतलब मकसद पॉइंट ये था कि वो बोलने के पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आई होप आपकी फैमिली और आप सब घर में बैठे हो और सेफ़ हो। और हाँ, ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि घर में ही बैठना चाहिए सबको। तो प्लीज़ जो गवर्नमेंट ने बोला है वो रूल्स को फॉलो करो, पुलिस वालों जो लोग हैं उनको सपोर्ट करो, घर पे बैठो, जितना हो सके घर से एक ही मेंबर को बाहर भेजो। तो ये बहुत मतलब डेंजर होते जा रहा है, तो प्लीज़ बी सेफ। और हाँ, ये वीडियो का मकसद ये है कि सिमटेक टेक्नोलॉजी की तरफ से एक अपडेट मैसेज आया है उनके कस्टमर्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि उन्होंने उनका जो वारंटी पीरियड है वो आगे बढ़ाया है। तो समथिंग कुछ 1 ईयर होता है तो उन्होंने वो 6 मंथ शायद एक्स्ट्रा कर दिया है। तो उसके बारे में मैं आपकी स्क्रीन पे आपको जो उन्होंने मुझे लेटर भेजा है या फिर जो पिक भेजा है वो मैं आपको दे दूँगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे उन्होंने जो दिया हुआ पिक है वो मैं शेयर किया हूँ। तो उसमें उन्होंने डिटेल्स में पूरा बताया है कि ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, तो मतलब जो अप्रैल 2019 को जिन्होंने भी वो प्रोडक्ट बाय किए हैं उनके सिमटेक टेक्नोलॉजी के, तो उनके ऊपर जो अभी लॉकडाउन की वजह से सबको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे लोगों को शायद मतलब जो भी उनको सपोर्ट चाहिए रहेगा वो उनसे नहीं मिल रहा रहेगा लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने इसके लिए वो कुछ मंथ एक्स्ट्रा किए हैं। तो टोटल 6 मंथ कुछ समथिंग उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। और मैं बार बार यही बोलूँगा कि अप्रैल 2019 को भी जिन्होंने बाय किया है उनके लिए भी ये लागू है। तो लास्ट में उन्होंने भी लिख के दिया रहेगा उसमें, तो आप पूरा वो पेज अच्छे से पढ़ लेना, तो जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। और इनके सपोर्ट टीम का नंबर भी कुछ चेंज हो गया है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा कि कौन सा नंबर है। और इनका टाइमिंग मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से है समथिंग, तो वो भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा कि इन्होंने टाइमिंग भी चेंज किया है। तो रही बात थोड़ा मतलब जो वायरस चल रहा है जिसका नाम भी लेना शायद अभी मना किया है यूट्यूब पे, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि किस तरह से प्रिकॉशंस ले वगैरह। घर से बाहर जाते टाइम तो आपको मास्क पहनना ही है और हाथ में या फिर जेब में एक सैनिटाइज़र लेके भी आप जाओ। अगर आपके बिल्डिंग में लिफ्ट है तो प्लीज़ लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, आप सीढ़ी से जाओ और किधर भी छूना मत। और एक टाइम पे किसी एक ही मेम्बर को घर के बाहर भेजो, और जब सामान आप घर पर लेके आ रहे हो बाहर से तो उसको तुरंत घर के किचन में या फिर कहाँ रखना नहीं है, तो उसको सैनिटाइज़ करके डोर के नज़दीक के जगह पे ही आप रखो थोड़े टाइम तक, देन उसको बाद में अंदर लेना। और जो भी घर में आ रहा है मेंबर उनके ऊपर आप सैनिटाइज़र पूरा स्प्रे करो, यानी कि घर में हैंड वॉश होगा या फिर आपके पास डेटॉल होगा उसको एक बॉटल में भर के पानी में उसमें ऐड करके देन उसको पूरे एक स्प्रे के थ्रू बॉडी पे उनके ऊपर स्प्रे मार सकते हो। और हाँ, जिनके पास डॉग्स हैं उनकी मैं सिचुएशन समझ सकती हूँ, जैसे कि मेरे पास डॉग है और मेरा डॉग भी घर में कुछ भी पोटी शोटी नहीं कर रहा है। हम लोग ने ट्राई किया एक दिन बट नहीं कर रहा था वो, तो उसको नीचे ही लेके जाना पड़ रहा है। तो अगर आप नीचे लेके जा रहे हो आपके पास डॉग्स है तो प्लीज़ बिल्डिंग में ही आपके नियर बाय में ही घुमाना। और आपकी बिल्डिंग में अगर अलाउड नहीं रहेगा डॉग को पोटी वगैरह करने के लिए तो प्लीज़ जो मेम्बर्स हैं उनको परमिशन मांग लेना। और आई होप वो लोग परमिशन आपको देंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी कि कोई भी आपको सपोर्ट करेगा ही, तो आपके बिल्डिंग के नियर बाय में ही डॉग को घुमाओ। और डॉग को मास्क वगैरह पहनाने की कोशिश मत करना क्योंकि उनसे उनको तकलीफ़ होगी। तो बस एक स्प्रे जो है वो आपके साथ ही रखो, अगर डॉग गलती से भी किसी झाड़ी में या फिर जगह पे घिस रहा है तो तुरंत उसके बॉडी पे वहाँ पे ही मारो। हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं, अभी तक मेरे डॉग को कुछ भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो आप श्योरली ये चीज़ कर सकते हो। और जैसे ही डॉग आप घर पर लेके आओगे तो घर के बाहर ही आपके डॉग के लेग्स को सैनिटाइज पूरे अच्छी तरह से करना है, पूरे बॉडी पे उसको स्प्रे करना है, देन खुद के ऊपर करके देन घर के अंदर आना। तो ये सारी जो बेसिक बोलते हैं ना कि ज़रूरत है या फिर इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये प्लीज़ आप करो। और प्लीज़ घर पे रहो, सेफ रहो, और घर से एक ही मेम्बर को बाहर भेजो, वो भी ज़्यादा दूर नहीं, और बार बार मत भेजो। जो भी चीज़ें चाहिए वो नियर बाय से ट्राई करो, जो घर के नीचे हो या फिर ऐसी जगह से लेने को ट्राई करो। तो बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस।